Sir, fluctuation. समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. What stocks are going down? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. आज 23 अगस्त 2019 फ्राइडे है. हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और अभी सुबह के 8:23 हो रहे हैं. कल निफ्टी इंडेक्स में लास्ट 7 डेज में दूसरी बार हमने 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली. वर्ल्ड मार्केट में ये जो यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, इसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है. ग्लोबल ग्रोथ के बारे में काफी चिंता जताई जा रही है, तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है और इसका असर यहाँ इंडिया मार्केट्स में भी देखने को मिल रहा है. जैसे FII और FPIs यहाँ पर से अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा कम कर रहे हैं, निकाल रहे हैं. तो अभी निफ्टी इंडेक्स में नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है, क्या निफ्टी इंडेक्स यहाँ से और टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हो सकता है, आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करेंगे. लेकिन जैसे आज फ्राइडे है तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे. तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये कल का पिक्चर है 22 अगस्त 2019, आफ्टर मार्केट आरसीए पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक यहाँ पर मिल जाएगी. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,931 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 10,900. तो जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, ये 10 मिनट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का कल का. तो जैसे ही हमारा ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 10,872 ये यहाँ पर अचीव्ड होता है और उसके बाद सेकेंड टारगेट 10,842 ये भी यहाँ पर अचीव्ड हुआ. और उसके बाद में जैसे ही ये लेवल को भी ये ब्रेक करता है तो टूवर्ड साउथ की तरफ एक जबरदस्त मूव हमें देखने को मिला कल. तो यहाँ पर कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 37,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स में 49 पॉइंट की एक बढ़त देखने को मिली, पुल बैक कहा जा सकता है इसे. लेकिन यहाँ पर भी अभी साफ प्रेशर दिखाई दे रहा है. नासडैक 28 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ. और यूरोपियन बाजार देखे तो लंदन मार्केट, फ्रांस मार्केट और जर्मन मार्केट में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है. सभी यूरोपियन मार्केट लाल निशान में कल बंद हुए. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्के चाइना मार्केट में हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी फिलहाल यहाँ पर 77 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है और एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. तो ये जो पुल बैक आ रहा है ये सस्टेन नहीं हो पा रहा है ग्लोबल मार्केट में भी और इंडियन मार्केट में भी. तो प्रेशर अभी साफ बना हुआ है, यहाँ पर लॉन्ग जाने की कोई भी यहाँ पर चांस नहीं है. फिलहाल तो कोई अपसाइड सिग्नल नहीं मिल रहा है. एक एक करके बड़े बड़े सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं. चलते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं. बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट से शुरू करेंगे. ये बैंक निफ्टी इंडेक्स का मंथली चार्ट है, यानी एक कैंडल एक मंथ का हाई ओपन लो और क्लोज वैल्यू हमें प्रेजेंट कर रहा है. अभी यहाँ पर ये जो है ये अगस्त मंथ का कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्म हो रहा है. अभी एक वीक यहाँ पर बाकी है. तो ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया था. ये मंथ था अक्टूबर 2018. तो अभी ये मंथ खत्म होने में भी एक वीक बाकी है. तो अगर ये 20 EMA को पेनेट्रेट करके फिर से इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो चांसेस होंगे कि यहाँ से एक पुल बैक हमें देखने को मिले. अगर ये 20 EMA के नीचे क्लोज होता है, 20 EMA के नीचे अगर क्लोज होता है तो यहाँ से और भी पैनिक मूव टूवर्ड साउथ की तरफ हमें देखने को मिल सकता है. और तभी हमारा फर्स्ट सपोर्ट अगर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करें इस लो और इस हाई को पकड़ के, तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हमारा अराउंड आ रहा है 24,763. अभी आप देख सकते हैं ये जो 23.6 का लेवल है ये एग्जैक्ट 20 EMA के पास आ रहा है. तो वन वीक बाकी है अभी ये मंथ खत्म होने के लिए. तो अगर इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो पॉसिबिलिटीज है यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है. अगर नहीं, अगर ये इसके नीचे अगर क्लोज होता है 20 EMA के नीचे, तो हमें निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स यहाँ से और भी टूवर्ड साउथ की तरफ मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट 24,763 का होगा. एज पर मंथली चार्ट, ये लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा और उसके बाद यहाँ पर ये 50 EMA जहाँ पर इसने पास में अराउंड
यहाँ ये आप देख सकते हैं 2060 में, 3 साल पहले 50 में तक ये पहुंच गया था बैंक निफ्टी इंडेक्स, और यहाँ से पुल बैक बाउंस बैक दिखाया था। तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर 50 एमए का होगा, अगर 20 एमए के ब्रेक करता है तो ये है बैंक निफ्टी का मंथली एनालिसिस। वीकली चार्ट में चलते हैं, वीकली चार्ट में भी अभी ये सपोर्ट लाइन के एग्जैक्ट पास है, ये अभी यहाँ पर सपोर्ट लाइन के पास है। तो आप देख सकते हैं ये 100 ईएमए 26,844 के पास आ रहा है। यहाँ पर हमने जो वीकली चार्ट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को हमने ड्रॉ किया था उसका 61.8% का ये जो लेवल है 27,121 यहाँ पर अचीव हो चुका है। तो इसके नीचे तुरंत 100 ईएमए का सपोर्ट है जहाँ पर हमने पास्ट में यहाँ अक्टूबर 2018 में यहाँ से पुल बैक बाउंस बैक होते हुए बैंक निफ्टी इंडेक्स को देखा था। तो उम्मीद की जा सकती है यहाँ से एक बाउंस बैक फिर से देखने को मिले। अभी ये इन दो मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है, ऊपर 50 ईएमए है और नीचे 100 ईएमए है। 100 ईएमए को अभी वीकली चार्ट में अगर ये ब्रेक करता है, इसके नीचे क्लोज मिलता है तो यहाँ से और भी पैनिक मूव हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। तो ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो बैंक निफ्टी इंडेक्स का। अभी डेली चार्ट देख लेते हैं, यह है डेली चार्ट। डेली चार्ट में अभी स्ट्रक्चर देखे तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड का बन रहा है क्योंकि ऊपर शॉर्ट टर्म मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ये जो मूविंग एवरेजेस है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर बन चुके हैं और इसके नीचे बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। अपसाइड मूव जब भी आता है तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म ये मूविंग एवरेज असेंडिंग ऑर्डर्स में रहते हैं और इसके ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड होता है। अभी इसके टोटल अपोजिट है, ये रिवर्ट हो गया है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है और यहाँ इसके नीचे बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर क्लियर डाउन ट्रेंड का सिग्नल है, कोई भी अपसाइड मूव यहाँ से अगर आता है तो पहले यहाँ पर सिग्नल देना होगा और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर्स में चाहिए जो कि अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में बन चुका है। तो अगर यहाँ से और भी टूवर्ड्स फॉल आता है तो फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर इमीडिएट ये होगा जहाँ पर ये कंसोलिडेशन फेज देखा था हमने ये यहाँ पर इलेक्शंस के पहले, तो इसका सपोर्ट आ रहा था अराउंड 26,479 26,500। तो अगर ये 27,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक होता है तो 26,500 के यहाँ पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है एज पर लास्ट प्राइस एक्शन। और ऊपर अगर ये मूव करता है तो यहाँ पर इसने जो बॉटम बनाया था कुछ दिनों पहले यहाँ पर अराउंड 27,700 के पास यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है। तो नीचे 26,500 का सपोर्ट है और ऊपर 27,700 का अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस बन सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी का डेली वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस। चलते हैं निफ्टी के चार्ट में, निफ्टी का चार्ट भी मंथली चार्ट से शुरू करेंगे। यहाँ पर भी अभी देखे तो 20 ईएमए को ये ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है, अभी भी 1 वीक बाकी है इस महीने को खत्म होने के लिए। अगर ये इस लेवल को पेनेट्रेट होके ऊपर आके क्लोज होता है तो चांसेस होंगे कि यहाँ से एक पुल बैक दिखाई दे, अगर नहीं यहाँ से अगर ये 20 ईएमए के नीचे अगर क्लोज होता है तो फर्स्ट यहाँ पर इमीजिएट ये जो 10,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है अभी 11,000 को ब्रेक कर दिया इसने, तो हम देख सकते हैं कि 10,000 से यहाँ से इसने बाउंस बैक दिखाया था अक्टूबर 2018 में। तो यहाँ पर 10,000 फर्स्ट हमारा सपोर्ट होगा अगर 20 ईएमए के नीचे मंथली चार्ट में अगर क्लोज होता है तो, और यहाँ पर उसके बाद 50 ईएमए तक निफ्टी इंडेक्स मूव होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है यानी 9,800 तक। उसके पहले 10,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, यहाँ पर भी लास्ट 2 टाइम्स हमने देखा था सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ है, ये देखे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट है 10,000 का, अगर वो ब्रेक होता है तो इसके नीचे 50 ईएमए अराउंड 9,800 के पास है, ये नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। 1 वीक बाकी है, अगर ये ऊपर इसके 20 ईएमए के, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 20 ईएमए के ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो चांसेस होंगे कि यहाँ से पुल बैक हमें दिखाई दे। ये है मंथली चार्ट का निफ्टी का एनालिसिस। चलते हैं वीकली चार्ट में, यह है वीकली चार्ट निफ्टी का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 100 ईएमए के पास अभी ये पहुंच गया है
और इसने लास्ट यहाँ पर अक्टूबर 2018 में इस 100 ईएमए को पेनेट्रेट करके यहाँ से अपसाइड मूव दिखाया था। तो ये हमारा वीकली चार्ट में लास्ट सपोर्ट स्ट्रांग सपोर्ट बन रहा है। अगर ये अगर ब्रेक होता है, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है और यहाँ पर अगर ऐसे बियरिश कैंडलस्टिक फॉर्म होता है ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट वीक भी, तो हमें 10,000 के लेवल्स यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में दिखाई दे सकते हैं। अभी फिलहाल ये 100 और 50 ईएमए के बीच में लास्ट 4 वीक से ट्रैप हो चुका था। अभी देख सकते हैं ये 100 ईएमए को ब्रेक करता है या नहीं। तो ये वीकली और मंथली चार्ट का सिनेरियो निफ्टी इंडेक्स का। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में जैसे कि बैंक निफ्टी में देखा, यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर है अभी यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बन रहा है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस डिसेंडिंग ऑर्डर्स में बन चुके हैं और उसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट, ये जो पास्ट में यहाँ पर ये कंसोलिडेशन फेज बना था, इसका अपर बैंड और लोअर बैंड अभी यहाँ पर हमें सपोर्ट का काम करते हुए दिखाई दे सकता है। तो इसका लोअर बैंड जो है वो तकरीबन 10,567 के पास आ रहा है, ऑलमोस्ट 10,600 के पास। तो अगर इसके नीचे निफ्टी इंडेक्स मूव करता है तो 10,560 ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल होगा, और ये अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी में और भी पैनिक मूव यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है। तो ये है डेली, वीकली और मंथली चार्ट का निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। निफ्टी इंडेक्स अगर कल के लो के नीचे अगर मूव करता है, सस्टेन करता है इसके नीचे 10,717 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,696, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट फिर होगा 10,670, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर ये जो लास्ट हाफ एन आवर का ये जो बियरिश कैंडलस्टिक बना हुआ है इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, यानी 10,767 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बनाएंगे, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,788, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 10,815, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी इंडेक्स के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। हमने बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का एनालिसिस किया, हर एक टाइम फ्रेम के चार्ट को देखा। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।